नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, सबसे पहले राजधानी रायपुर का जिक्र करेंगे जहां पर बीजेवाईएम के कार्यकर्ता आज एकजुट हुए, प्रदर्शन किया है। सीएम हाउस के घेराव की कोशिश थी, पीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहा। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। सीएम हाउस के घेराव के लिए कार्यकर्ता निकले थे और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस हिरासत में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी हैं, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और धरमलाल कौशिक भी हिरासत में आ चुके हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने कई बैरिकेड्स छोड़कर आगे भी बढ़ने की कोशिश की है। हालांकि बाद में सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। बीजेपी नेताओं ने रिजल्ट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, आप लोग सीएम हाउस घेराव करने निकले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ ये युवाओं की जंग है। बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा लगाई गई है, फिर भी तोड़ करके पहुंच रहे हैं। ये युवाओं की तरुणाई है, कितने भी बैरिकेड लगा ले हम तोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बैरिकेड्स को तोड़ करके निकल रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। रवि भगत हैं हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोग बाधा को भी पार करके लगातार आगे जा रहे हैं। युवाओं के आक्रोश को छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा व्यक्त कर रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज को नहीं दबने देंगे, जो संघर्ष होगा करेंगे। बैरिकेड क्या है, ये दीवार भी खड़े कर दे, हम सीएम हाउस तक जाएंगे। सात आप लोगों की सरकार बनेगी, सात बिंदुओं पर आप लोग जांच करेंगे, एक जो सूर्या है उन्होंने कहा है। हम सुधार के लिए तैयार हैं, हमने पीएससी के छात्रों से बात किया है, जो उनके मन में पीड़ा है, जो सुधार वो चाहते हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम सुधार करेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे ही सरकार बनेगी पीएससी की जो सीबीआई जांच के साथ साथ जो अन्य गड़बड़ियां हैं उसको लेकर के जांच करेंगे, तो ये कहा जा सकता है। देखिए लगातार जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज एटीन रायपुर, छत्तीसगढ़। और सीजीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली का आरोप लगाकर आज बीजेपी युवा मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया है। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के इस प्रदर्शन को फ्लॉप करार दिया। पीसीसी संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, इसके बावजूद इनके प्रदर्शन में बमुश्किल 400 से 500 लोग जुटे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने कहा कि बीजेपी वैचारिक रूप से विकलांग पार्टी हो चुकी है, युवा मोर्चा के प्रदर्शन की पहली पंक्ति में पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता बैठ रहे हैं। देश की सत्तारूढ़ दल के युवा इकाई के अध्यक्ष की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में बमुश्किल से 400 से 500 युवा ही शामिल हुए और मंच पे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो 2018 में जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे वृद्ध नेता पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। मंच की जो तस्वीर आपके माध्यम से हमारे पास आई है, मैंने देखा उसमें 70% वो नेता बैठे हैं जो पेंशन की उम्र को पार कर चुके हैं और पीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो वैचारिक विकलांगता और मुद्दों का अभाव इतना बुरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के पास कि अब वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए और पीएससी जैसी गरमामयी संस्था को बदनाम करने के लिए ऐसे आंदोलन। और बीजेवाईएम के इस प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया, कहा कि सीजीपीएससी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, अगर हुई हो तो बताएं। 18 दिन बीत जाने के बाद भी गड़बड़ी नहीं बता पा रहे हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी अधिकारी का बच्चा होना अपराध नहीं है, बीजेपी प्रदर्शन कर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी तथ्य देगा तो जांच जरूर करवाएंगे। ये रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन। 18 दिन हो गया, एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहां कहां गड़बड़ी, उसमें खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहां पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के अधिकारी के ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया? यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई
नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताते थे बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे, इसलिए कि ममता लांजीवाल रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, इतना ठोस प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता दिखा नहीं पाए जितना ठोस मुख्यमंत्री सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि तथ्य सामने प्रकट करें उसके बाद जांच करवाएंगे। ममता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने जब पहली बार में आरोप लगाया था तब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आया था कि सबूत दें, आरोप न लगाएं, और उसके बाद में भी लगातार जो है वो यही बात होती रही। बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे और इधर से कांग्रेस पार्टी का कहना था कि और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि हम चैलेंज देते हैं, आप सबूत दीजिए, आप सिर्फ आरोप मत लगाइए, कोई दस्तावेज दीजिए। और इसके उसके बाद में कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह भी बताया था कि बीजेपी के शासनकाल में जो पीएससी के रिजल्ट निकले थे और तीनों ही शासनकाल में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सॉरी, जो पीएससी के जो चेयरमैन रहे हैं उनके जो बेटों का या बच्चों का या फिर करीबियों का जो है वो चयन होता रहा है, तो उनका कहना था कि उस समय भी इस तरह से चयन हुए और आज बीजेपी जो है वो सवाल उठा रही है। उन्होंने बकायदा जो है वो ईयर वाइज जो है डेटा जारी किया था। आज अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेवाईएम का जो प्रदर्शन था, बेसिकली ये प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का था, लेकिन जो मंच में अगर हम बात करें तो मंच में तेजस्वी सूर्या के साथ ही अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और इसके साथ ही अरुण साव और धर्मलाल कौशिक और गौरीशंकर अग्रवाल और सुनील सोनी, ये सब तमाम वो बड़े लीडर्स बैठे हुए थे जो पुराने जो बड़े लीडर्स हैं। और इसी को जो है इसी मंच की जो तस्वीर को कांग्रेस ने को मौका मिल गया सियासत का। और कांग्रेस का कहना था कि प्रदर्शन जो है एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि युवाओं से भरी पार्टी है और बीजेवाईएम का प्रदर्शन था, लेकिन वहां पर मुश्किल से कुछ ही युवा शामिल हुए थे। उनका कहना था मंच पर तो तमाम वो लोग शामिल थे जो पिछले चुनाव में हार चुके थे और बीजेपी के पास कोई युवा चेहरा नहीं है। तो अब कांग्रेस जो है वो इसी को इसको एक मुद्दा बना रही है कि प्रदर्शन अगर युवाओं का था तो युवा चेहरे क्यों नहीं थे। उनका कहना था कि वही पुराने चेहरे थे और इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पीएससी पे आरोप प्रत्यारोप को लेकर, तो आज प्रोटेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया था। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि आज 18 दिन हो गए और हम लगातार कह रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है वो दीजिए। आप मुख्यमंत्री का कहना था कि लोग जो प्रदेश के जो युवा हैं उनको गुमराह करने के का जवाब भी। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात कोरबा की करेंगे, जहां मार्केट कॉम्प्लेक्स में अचानक से आज भीषण आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर के मार्केट कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, उसके बाद आग को बुझाया गया। 25 लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे के समय बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में करीब 50 लोग फंसे हुए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। जिला और अन्य अस्पतालों में भी लोग भर्ती करवाए गए हैं। 14 दुकान सहित 2 बड़े हॉल्स में आग लगी। दुकानों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश बहुत हुई। 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग बताई जाती है। 2 मंजिला बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। व्यापारियों ने बिजली विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजली विभाग की एक और नाकामी और भर्रा से ही भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली एक घटना घटी है कोरबा में। मैं बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाएं करवानी बंद कर दें। लगभग कितने दुकानें इसमें चपेट में आई है और कितने लोग? मेरे ख्याल से करीब 12 प्रतिष्ठान और एक बैंक इसकी तरह पूरी तरह से 100% रूप से चपेट में आ गए हैं, जिन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था था? बड़े दुख की बात है कि साडा के कार्यकाल से ये पहली बिल्डिंग बनी थी कमर्शियल बिल्डिंग। इसमें उस समय तो आवश्यकता महसूस नहीं की थी निसंदेह, लेकिन अभी आवश्यकता महसूस की जानी थी, लेकिन हमारे कुछ व्यापारी भाइयों के द्वारा ही इसमें अतिक्रमण और दीवालों को बकायदा ब्रिक वर्क के माध्यम से बंद कर देने के बाद आज कम से कम 5 लोगों को बेहोशी की हालत में बड़ी मुश्किल से प्रशासन के और जनता के सहयोग से जब काफी जद्दोजहद करके निकाला गया। 3 लोग घायल जो मूर्छित अवस्था में 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाकी सभी लोग तो सेफ हैं। 3 लोग हैं उनको क्रिटिकल केयर इमरजेंसी केयर में एडमिट किया गया है। उनके इलाज की बात की लापरवाही से सामने आ रही है कि केबलिंग का खड्डा अच्छे व्यवस्थित ना हो, कुछ बार के कनेक्शन काट जाते हैं। ये प्राइवेट बिल्डिंग है,
ये प्राइवेट बिल्डिंग है जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में यूज हो रहा है, जिसमें सभी शॉपकीपर्स काम कर रहे हैं, वो अपने अपने रेंट पर अपने दुकान चला रहे हैं, तो किसका दोष है ये तो बाद में पता। दो व्यक्ति और एक बैंक का है, व्यक्ति की शायद कैजुअल्टी हुई है, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और किसी प्रकार की और जनहानी नहीं हुई है। कितने लोग सर फंसे थे, उनको किस तरीके से निकाला गया? बैंक के सारे कर्मचारी, लगभग 35-40 कर्मचारी वहाँ बैंक में थे, उपस्थित थे उस समय, पब्लिक प्लस कर्मचारी, सभी को रेस्क्यू करके NDRF की टीम और पुलिस के सहयोग से सबको बाहर निकाला गया है। ट्रांसपोर्ट नगर की कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग जनी की घटना के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स की 2 मंजिला बिल्डिंग है वो जलकर खाक हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो सामान है वो पूरा जलकर खाक हो गया है, और ये सीढ़ी के माध्यम से जो कुछ लोग फंसे हुए थे उनको सीढ़ी के माध्यम से यहाँ जो दमकल की टीम है और CSF की टीम है उनके द्वारा उन्हें उतारा गया है सुरक्षित, और जिसमें 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। मौत की पुष्टि पुलिस ने की है, और इसको लेकर जो व्यापारी है वो काफ़ी दहशत ज़्यादा है, उनकी पूरी दुकान जो है वो जलकर खाक हो गई है, और इस घटना को लेकर जो है कलेक्टर और SP भी मौके पर पहुंचे हुए थे और पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे, और ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो फंसे हैं उनको निकाला जा सके और यहाँ आग जो है वो बुझाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में कितने की नुकसान जो हुआ हुआ उसका आंकलन अभी पुलिस द्वारा किया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब्दुल असलम, News 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। तो कोरबा में आग लगते पास में स्थित हैंडलूम के संचालक अमृतलाल बत्रा ने कई लोगों की जान भी बचाई। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने नीचे दुकान के फोम और गद्दे को बिछाकर ऊपर से लोगों को छलांग लगाने के लिए कहा, और उससे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित बैंक कर्मचारी और लोगों ने फोम में कूदकर अपनी जान बचाई। कोरबा ट्रांसपोर्ट नगर में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी थी उसमें अमृतलाल बत्रा जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, और उनकी दुकान जो है ये पानीपत हैंडलूम है, उसके बगल में ही एक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ जैसे ही आग लगी तो बैंक के जो कर्मचारियों को उन्होंने बचाने की कोशिश की और अपने जो फॉर्म है सारी फॉर्म को जमीन में डाल दिया, उसके बाद उनको ऊपर से लगभग कई जो कर्मचारी है उन्हें उस गद्दे में कुदाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं, किस तरीके की आग लगी थी और किस तरीके का आपने प्रयास किया? आग तो बहुत विकराल लगी थी, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बचाव काफ़ी हो गया, जन हानि बहुत कम हुई है। मतलब कैसे आपने बचाया? नीचे गद्दे उद्दे बिछा दिए थे, करीब 10-12 गद्दे बिछा दिए, ऊपर से जंप लगाए, करीब 15 फुट ऊंचा होगा ऊपर, ऊपर से जंप लगाए आदमी लोग ने, कुछ महिला भी थी। अगर आप गद्दे नहीं बिछाते नहीं लगाते तो क्या स्थिति रहती? अगर होता किसी हाथ पाँव टूटता, किसी कुछ होता, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन गद्दा लगने से उनकी काफ़ी मतलब हेल्प हो गई, मतलब सपोर्ट हो गई है, हिम्मत जुटी है उनकी। बैंक के कर्मचारी सभी सुरक्षित है? मेरे ख्याल से सुरक्षित हैं, बाकी फिर वही और बता पाएंगे कितने आदमी कूदे हैं, कितने गिनती हम लोग नहीं कर पाए वैसे, लेकिन काफ़ी संख्या मतलब कूदे हैं। तो देख सकते हैं कि जो बत्रा जी हैं वो लोगों की जान बचाए हैं, बैंक कर्मचारियों की, और समय पर पहुंचकर अपने दुकान का जो सारा फॉर्म है वो नीचे डालकर उन्हें नीचे कुदाया गया ताकि सारे जो लोग ऊपर फंसे थे उनकी जान बचाई जा सके। अब्दुल असलम, News 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। आपको आग की पहली तस्वीरें दिखाते हैं। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले केबल में लगी, लोग आग बुझाने की बजाय वीडियो बनाते दिखे। अगर समय से पहले आग पर काबू पा लिया गया होता तो शायद आग पूरी बिल्डिंग की दुकानों तक नहीं पहुंचती, बड़ी घटना होने से टल सकती थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोग आग बुझाने की बजाय इस घटना का वीडियो बनाते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, आग की सबसे पहले तस्वीरें यही सामने आई थी जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही है। आसपास आप देखिए, फोन लेकर वीडियो बनाना लोगों ने ज्यादा जरूरी समझाया, बजाय इसके कि पानी डालकर या फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर पहले आग बुझाने का प्रयास किया जाता, लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता। एक बड़ी घटना यहां पर हुई, अगर सतर्कता लोगों की तरफ से बढ़ती जाती तो शायद इस आग पर समय से पहले काबू पा लिया जाता, कुछ लोगों की जान बच सकती थी। आपको बताएं कि 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दुर्ग से अगली बड़ी खबर की, जहां नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ है। पथराव में JCB का शीशा टूट गया, अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी, निगम की टीम से अतिक्रमणकारी भिड़ गए। निगम की टीम के साथ झूमाझटकी हुई है, और दुर्ग के सरस्वती नगर की पूरी घटना जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अतिक्रमण विरोधी दस्ते के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता चला गया।
और आज सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रमाण पत्र और आवश्यक सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मितान योजना के दायरे को और ज्यादा बढ़ाया गया है। प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का बड़ा निर्णय। अभी वर्तमान में योजना प्रदेश की 14 नगर निगमों में संचालित की जाती है और घर बैठकर अब तक कई लोग इस योजना के जरिए 96,258 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस योजना का लाभ उठा सके हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोरेला पेंड्रा मरवाही जिलेवासियों को लगभग 45 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। पेंड्रा प्रेस क्लब परिसर में लगभग 17 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण। सीएम ने 27,62,00,000 रुपए से अधिक के 22 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा उद्यान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। विद्वान वक्ताओं के वक्तव्य को आपने सुना है। भारत के नौजवान ने उनके साहित्य में का क्या योगदान रहा, साथ ही अंचल और इधर जगदलपुर में गोचा महापर्व का आगाज हो चुका है। अस्वस्थ रहे भगवान जगन्नाथ का नेत्रोत्सव करवाया गया, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। आपको ये भी बताएं कि पुरी की तर्ज पर बस्तर में गोचा महापर्व आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में पुरी से आए पंडितों ने भगवान का भजन किया। कल यानी कि मंगलवार को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे और भगवान को तुपकी से सलामी भी दी जाएगी। जगन्नाथ मंदिर में कार्यक्रम पूरे 9 दिनों तक चलने वाला है। तो अभी जो भगवान का जो नवजौवन दर्शन है, 15 दिन जो भगवान सोए थे, अभी आज उनका जो दर्शन है उसको बोलते हैं नवजौवन दर्शन। तो इस नवजौवन दर्शन में हम थोड़ा भगवान को उठाएंगे, अभी वो तो अस्वस्थ थे तो अभी उठाएंगे उनको, कीर्तन भजन करके जितना उनका नाम कीर्तन करेंगे वो उतना ताकत भी उनका आ जाएगा, अभी आनंद भी लगेगा। तो वो आज तो 2-3 बजे तक चलेगा, फिर कल जब रथ यात्रा होगा तो रथ यात्रा का टाइम पे हम कीर्तन करके घूमेंगे। 15 दिन तक जो भगवान अस्वस्थ अवस्था में पड़े हुए थे उस समय तक वो आँख बंद करके थे अस्वस्थ होने के कारण, आज जो है नेत्र उत्सव में नेत्र उनका आज खोला जा रहा है और नेत्र खोलने के बाद आज उनका पूजा पाठ होंगे और वो यहाँ के श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। आज का नेत्र उत्सव होने के पश्चात यहाँ पर रात को जो है उनका भजन पूजन किया जाएगा पुनः, और अमोनिया के रूप में आज प्रसाद भी, भोग प्रसाद भी श्रद्धालुओं को बांटी जाएगी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पेंड्रा में सीएम भूपेश बघेल ने 44,61,00,000 के विकास कार्यों का किया लोकार्पण शिलान्यास। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समेत कई नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मितान योजना का बढ़ा दायरा, प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू, सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, भीषण गर्मी और बारिश में हो रही देरी पर तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। पीएससी घोटाले पर बीजेवाईएम के प्रदर्शन पर सीएम का बयान, रिजल्ट के 18 दिन बाद भी कोई गड़बड़ी नहीं बता पाए, प्रदर्शन युवाओं को गुमराह करने का प्रयास। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राज्य सरकार पर बोला हमला, पीएससी को बताया सबसे बड़ा घोटाला, राम मंदिर में की पूजा अर्चना। पीजेवाईएम के प्रदर्शन पर बोले अरुण साव, ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं युवाओं के भविष्य के लिए है, पीएससी घोटाला भविष्य के साथ खिलवाड़। दुर्ग में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज, पंडित रविशंकर स्टेडियम में सभा का आयोजन, कार्यक्रम में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। कांकेर में फिल्म आदि पुरुष का विरोध जारी, फिल्म को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, फिल्म के डायरेक्टर का फूंका पुतला। मनेंद्रगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल, दूषित पानी पीने को मजबूर मरीज, खुली टंकी मेडिकल कचरे से दूषित। कवर्धा में स्कूली बसों की हुई फिटनेस जांच, 130 स्कूली बसों की हुई जांच में 35 बस अनफिट। दुर्ग में नगर निगम की टीम पर पथराव, निगम की टीम से भिड़े अतिक्रमणकारी, पथराव में टूटा जेसीबी का शीशा। रायगढ़ में टायर टाइल्स गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, आग बुझाने में टूटी फायर ब्रिगेड की। सूरजपुर में अंधे कत्ल का खुलासा, पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार, अवैध संबंध में हत्या की आशंका। अंबिकापुर में युवा का शव मिलने से हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम, गांधीनगर थाना क्षेत्र के गंगापुर तुलसी चौकी का मामला। बिलासपुर में रेल यात्रियों की फिर बड़ी परेशानी, 19, 21 और 24 जून को कई ट्रेनें होंगी प्रभावित, ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में होगा ट्रैफिक ब्लॉक।
रंगेली में बुजुर्ग रेंजर ने डीएफओ शमा फारूकी पर लगाया मनमानी का आरोप। डीएफओ पर लगाया घरेलू काम के लिए दबाव बनाने का आरोप। रायगढ़ में दरी टिपा के रेलवे पुल पर बड़ा हादसा, पुल से टकरा यात्री बस, कई लोग घायल, दो लोगों की हालत गंभीर। धमतरी के सिहावा इलाके में सड़क पर दिखा भालू, गणेश घाट के पास मेन रोड पर दिखा भालू, बस्तियों के पास भालू दिखने से हड़कंप। बलरामपुर के जंगल से भटककर कमलपुर गांव पहुंचा हाथी, हाथी ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, हाथी से दूर रहने की वन विभाग की अपील। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।